हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यूज शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के एज रिलैक्सेशन को लेकर। दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि मेरे पास भी कमेंट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर वो ओवर एज हो चुके हैं। अब दोस्तों ओवर एज वो क्यों हुए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उनका कोई भी कारण नहीं है, उनकी कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है। अब दोस्तों ये ओवर एज हुए हैं वो हुए हैं वैकेंसी के कारण। दोस्तों ये वैकेंसी है वो काफ़ी टाइम बाद आई है। दोस्तों ये पिछली वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी, और दोस्तों अब जो वैकेंसी आई है वो दोस्तों 2021 में वैकेंसी आ रही है। 2021 में भी दोस्तों मिड में वैकेंसी आ रही है, 2021 जब आधी निकल चुकी है तब ये वैकेंसी आई है। तो दोस्तों तीन साल बाद यहां पर जो दोस्तों वैकेंसी देखने को मिल रही है, उसके बाद भी दोस्तों यहां पर जो वैकेंसी है, वैकेंसी के नाम पर दोस्तों पिछली बार से भी आधी वैकेंसी दी है। एक तो इतनी साल बाद वैकेंसी है और उसके बाद भी पहले से आधी वैकेंसी दोस्तों यहां पर दी गई है। तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे भाई यहां पर दो हैशटैग चलाने की, यहां पर कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा कमेंट मेरे पास आ रहे हैं और दोस्तों वो जो हैशटैग चलाने की बात कर रहे हैं, पहला हैशटैग दोस्तों यहां पर एज रिलैक्सेशन को लेकर, और दूसरा दोस्तों यहां पर वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। दोस्तों ये जो दोस्तों जो हैशटैग है वो दोस्तों यहां पर 24 जुलाई सुबह 10 बजे से चलाए जाने हैं, दोस्तों इनकी बात हो रही है। अब दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं क्या ये यहां पर सफल होने वाला है, दोस्तों सफल होगा तो वो कैसे होगा। मैं दोस्तों यहां पर सीधा बात करता हूं कि जब भी कोई ट्विटर पर कभी कोई भी कैंपेन सफल हुआ है उसके लिए दोस्तों यहां पर कम से कम जो ट्वीट चाहिए वो दोस्तों करीब 2 लाख से अपर ट्वीट चाहिए होते हैं। दोस्तों 2 लाख से 5 लाख, अगर दोस्तों आपने एनटीपीसी का भी देखा हो तो करीब 5 लाख के आसपास उसमें ट्वीट पहुंच गए थे दोस्तों शाम तक, जब दोस्तों उसकी सुनवाई होती, क्योंकि वो नंबर 2 नंबर 3 नंबर 1 पर ही कोई पहुंचा दोस्तों, ये यहां पर ऐसे ट्रेंड कर रहा था। दोस्तों यहां पर भी आपको जो है ट्वीट, दोस्तों हम तो आपको समर्थन बिल्कुल कर ही रहे हैं, लेकिन पर दोस्तों हमारे समर्थन से कुछ भी नहीं होने वाला है, आपके दोस्तों समर्थन से होने वाला है। आप अपने दोस्तों को बताइए, आप अपने ग्रुप्स में बताइए, आप अपने जितने भी आप जानने वाले लोग हैं, आपके साथी हैं, उन सभी से कहिए कि यहां पर वो सभी ट्वीट करें। अगर दोस्तों आपको ट्विटर के द्वारा अगर आपको कुछ यहां पर हासिल करना है, अगर दोस्तों ट्विटर के द्वारा आपको कोई भी समाधान चाहिए, तो कम से कम दोस्तों जो ट्वीट है वो करीब 5 लाख ट्वीट तो होने चाहिए। दोस्तों करीब सुबह 10 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं, दोस्तों करीब 2-3 बजे तक 5 लाख तो ट्वीट दोस्तों यहां पर होने चाहिए। अब दोस्तों यहां पर 5 लाख ट्वीट है, फॉर्म भरने की अगर हम यहां पर बात करें तो जब फॉर्म भरने की बात आती है ना, तो करीब यहां पर लाखों की संख्या में 5 लाख से कहीं ज्यादा जाकर फॉर्म भरेंगे, लेकिन पर दोस्तों यहां पर ट्वीट वो सभी नहीं करेंगे। दोस्तों ट्वीट में क्या सोचते हैं कि यहां पर जो एज रिलैक्सेशन की यहां पर प्रॉब्लम है, तो एज रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम है तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन कौन यहां पर मांग कर रहे हैं, जो कि भाई ओवर एज हो चुके हैं। यहां पर ऐसे ऐसे भाई जो कमेंट कर रहे हैं कि 2 दिन से ओवर एज हुए हैं, 1 महीने से ओवर एज हुए हैं, यानी कि दोस्तों 3 महीने से। अब दोस्तों वहां पर उनकी कोई गलती नहीं है, यहां पर कोई भी उनको YouTube पर समर्थन नहीं करता। अगर उनकी गलती होती, उनकी गलती दोस्तों कब मानी जाती, उनकी गलती तब मानी जाती जब वो हर साल वैकेंसी आती और हर साल वो फॉर्म भरते, तब उनको यहां पर वो फॉर्म पास नहीं कर पाते, वैकेंसी में नहीं ले पाते। जब वो यहां पर कैंपेन चलाते तो उनसे बेवकूफ बना कहा जाता है, लेकिन पर दोस्तों यहां पर उनको वैकेंसी तो दी नहीं गई। 2018 से अब वैकेंसी आ रही है, 3-3.5 साल वैकेंसी गोल, और उसके बाद भी यहां पर एज रिलैक्सेशन नहीं है। एज रिलैक्सेशन के बाद यहां पर दोस्तों वैकेंसी भी बहुत कम है। तो दोस्तों यहां पर मैं आप सभी से मांग करूंगा कि अपने सभी दोस्तों में इस चीज को, जागरूकता को फैलाइए, इस सभी को यहां पर सतर्क करिए कि यहां पर भाई सभी लोग आए जिनका फॉर्म फिल हो गया है, जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार को यहां पर बताना है कि यहां पर एकता है। एकता ही यहां पर ट्विटर का कैंपेन का मतलब होता है, एकता दिखाना। दोस्तों आपको एकता दिखाओगे तभी यहां पर आपका कुछ, यहां पर आपका समाधान हो पाएगा, तभी आपको कुछ सफलता मिल पाएगी। तो दोस्तों एक साथ मिलकर आप सभी लोग आइए और आप सभी को यहां पर कैंपेन को चलाना है। तो दोस्तों जो कैंपेन चलाना है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो स्क्रीन पर शो कर रहा है दोस्तों हैशटैग SSCGD एज रिलैक्सेशन। दोस्तों ये यहां पर हैशटैग के बाद सभी लेटर स्मॉल में होने चाहिए, और दोस्तों दूसरा जो हैशटैग की यहां पर मांग कर रहे हैं, दूसरा जो है दोस्तों वहां पर वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज को लेकर कम से कम दोस्तों अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए ना ट्वीट करें, दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज के लिए तो कम से कम कर सकते हैं। यहां पर जितने भी हैशटैग को अगर आप ट्रेंड कराएंगे तो आपकी यहां पर ट्रेंड कराने, आपकी मेहनत के बदौलत ही यहां पर कुछ समाधान होगा। जितने ज्यादा यहां पर ट्वीट किए जाएंगे, जितने ज्यादा यहां पर आपको दोस्तों ट्वीट यहां पर जुड़ पाएंगे लोग, दोस्तों सभी को यहां पर एक होना है, सभी को यहां
पर एक साथ आना है, एक टाइम पर ट्वीट करना है, तो दोस्तों आपकी यहाँ पर जीत होने के 100% चांस है। अगर दोस्तों आपने सोच लिया कि मेरा तो फॉर्म बढ़ चुका है, मैं यहाँ पर क्यों जाऊँ, तो दोस्तों आपके लिए कोई भी फायदा नहीं हो पाएगा और आप यहाँ पर अभी किसी दूसरे के लिए बुरा सोचना और अगली बार आपके साथ हो सकता है शायद अगली बार 5 साल बाद वैकेंसी आए, दोस्तों इसके लिए भी आप तैयार रहें। दोस्तों आप यहाँ पर ट्वीट आशा करता हूँ करेंगे और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मैं दोस्तों लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन पर दोस्तों शेयर करें कि सभी लोग यहाँ पर जागरूक हों। और दोस्तों करीब 5 लाख ट्वीट का टारगेट तो कम से कम रखें कि वो यहाँ पर #2 पर, #2 पर या फिर #1 पर ट्रेंडिंग कर सके दोस्तों, तभी आपका समाधान होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे, आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, आप अपने दोस्तों को जरूर जोड़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले शानदार वीडियो में, मिलते हैं #में दोस्तों यहाँ पर ट्विटर पर। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।